अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम बनी हुई है स्टार और डेल्टा कनेक्शन की, और इसमें साफ जाहिरी डिफरेंस ये दिख रहा है हमें कि जो डेल्टा का होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, उसका न्यूट्रल होता है कॉमन, और जो इसके बरक्स वाई जिसे हम कहते हैं या स्टार डेल्टा कनेक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, उसके अंदर एक फिक्स न्यूट्रल होता है और बाकी तीन हमारे पास फेज होते हैं। इसके नीचे अगर हम लोग दूसरी स्लाइड पे आए तो आगे मैं आपको इसके मेन डिफरेंसेस बता दूंगा। वैसे तो दो टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, या तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सिंगल फेज होगी या थ्री फेज होगी। सिंगल फेज के अंदर तो सीधा सीधा है कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सिंगल फेज आ रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं थ्री फेज की तो थ्री फेज के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो स्टार कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं या डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं, या फिर स्टार डेल्टा बोथ कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडक्शन मोटर लगी हुई होती है वो स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज करती है। पहले उसका कनेक्शन स्टार पे होता है क्योंकि उसको हाई टॉर्क चाहिए होता है, स्टार्टिंग पावर उसको मैक्सिमम चाहिए होती है, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा कनेक्शन के अंदर जब वो एक सर्टन स्पीड लिमिट एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दी है स्टार डेल्टा कनेक्शन की, जो कि दोनों एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेते हैं, स्टार कनेक्शन फोर वायर की होती है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर तीन वायर होते हैं। इसके मेन कॉमन डिफरेंसेस जो कि इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार कनेक्शन इज अ फोर वायर और डेल्टा कनेक्शन इज अ थ्री वायर, ये तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है, आउट ऑफ फोर वायर थ्री वायर्स आर फेजेस एंड एक न्यूट्रल वायर होता है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले डायग्राम में बताया है। और डेल्टा या ट्रायंगुलर के अंदर थ्री वायर्स ऑल आर फेजेस इन डेल्टा कनेक्शन। इन स्टार कनेक्शन वन एंड ऑफ द थ्री वायर्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट इन द शेप वाई सच दैट ऑल द थ्री ओपन एंड्स ऑफ द थ्री वायर्स फॉर्म द थ्री फेजेस। जो कि वाई कनेक्शन होता है उसमें थ्री फेजेस होते हैं और जो एक कॉमन पॉइंट उनमें मिल रहा होता है वो उसका न्यूट्रल हो जाता है। और इसके बरक्स अगर हम डेल्टा कनेक्शन देखें तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर कोई भी न्यूट्रल नहीं होता, तीनों ट्रायंगुलर शेप में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट भी इसमें यही लिखा हुआ है कि स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल होता है, डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं होता। मोस्ट कॉमन चीज जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ, स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज सेम नहीं होता इन स्टार कनेक्शन, और डेल्टा कनेक्शन के अंदर सेम होता है। ये डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। लाइन वोल्टेज इज रूट थ्री टाइम्स द फेज वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन, एंड अपोजिट होता है अगर हम लोग देखें करंट के हवाले से, बिकॉज स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है बट डेल्टा के अंदर सेम नहीं होता। उसके अंदर हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है आई एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री आई पी। अभी एंड में मैंने इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन समझाई है। सिंस द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर डिफरेंट, द इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच फेज इज लेस इन अ स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के अंदर जाहिर है इंसुलेशन हमारे पास रिक्वायर्ड होगी लेस एज कम्पेयर टू डेल्टा कनेक्शन। और एंड वाली लाइन में वही लिखा हुआ है कि इसकी एप्लीकेशन बताई हुई है, स्टार कनेक्शन इज यूज इन बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क्स विद ईदर सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई, और डेल्टा कनेक्शन इज जनरली यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। जिस तरह के मैंने आपको एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की एग्जांपल दी थी कि जो है पहले मोटर होती है स्टार कनेक्शन के अंदर क्योंकि उसको स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की नीड होती है। ठीक है, जब एक सर्टन स्पीड पे पहुंच जाती है वो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है डेल्टा कनेक्शन के अंदर।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजंस थे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन के हवाले से। नीचे एप्लीकेशन में, सिंस इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज लेस, स्टार कनेक्शन कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। स्टार कनेक्शन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए यूज होता है क्योंकि उसमें इंसुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी जाहिर है। स्टार कनेक्शंस आर ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन विच रिक्वायर लेस स्टार्टिंग करंट। डेल्टा कनेक्शंस आर ऑफन यूज्ड इन द एप्लीकेशन विच रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया स्टार और डेल्टा कनेक्शन के हवाले से कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।